क्या आपको भी ईमेल सेंड करना नहीं आता है तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में अगर आप फॉर्म भरते हैं या आप बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपनिंग करने के लिए तो वहां भी आपसे जो है ईमेल आईडी मांगा जाता है। इसके बाद जो है अगर आप CSC सर्विसेज के लिए जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी आपको जो है ईमेल आईडी मांगा जाता है और वहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना पड़ता है। तो अगर आप वहाँ पे ईमेल आईडी दे देते हैं तो आपको जो है कोई भी अपडेट आता है तो आपके ईमेल आईडी पे ही आता है। तो आपको जो है ईमेल सेंड करना आना ही आना चाहिए। अगर आपको कोई ईमेल सेंड करता है तो आपको जो है उसको रीड करके पढ़ करके आपको जो है उसको रिप्लाई देना आपको आना चाहिए, मतलब सेंड करना आपको आना ही चाहिए। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ईमेल सेंड करेंगे दुनिया के कोई भी कोने में, कोई भी गांव कस्बे में, चाहे आपका फ्रेंड विदेश में हो या इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो या दुनिया के कोई भी कोने में बैठा हो, बस आपको जो है उसका ईमेल आईडी पता होना ही चाहिए और आप जो है बहुत ही ईजी और आसान तरीक़ा से आप उस फ्रेंड को, उस दोस्त को, आप उस गर्लफ्रेंड को जो अगर भेजना चाहते हैं कुछ सेंड मैसेज वगैरह तो आप बहुत ही आसानी से आप टाइपिंग करके उसको आप भेज सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताया हूँ कि किस तरीके से आप जो है ईमेल सेंड करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ा से बताया हूँ कि किस तरीके से आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, आप जो है दोनों तरीके से आप जो है मोबाइल फ़ोन से और लैपटॉप से भी आप जो है ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो कैसे ईमेल सेंड करना है, कैसे उसको रीड करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें टाइपिंग कर देंगे gmail.com, तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपका यूजर इंटरफेस नज़र आएगा। अब आप जीमेल पे जो भी ईमेल आईडी बनाए हुए हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो जो भी पासवर्ड आप बनाए थे वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है, जिसमें यहाँ पर डाल देता हूँ। इस तरीके से पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही ये आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ देख रहे हैं कि मेरा जो भी जीमेल पर मैंने ईमेल आईडी बनाया हुआ हूँ वो यहाँ पे आके ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आप बहुत ही आसानी से किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे पास कोई मैसेज जो भेजा हुआ है ईमेल पे, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ इनबॉक्स पर जाइएगा। यहाँ देखिए कि दो मैसेज आया हुआ है, तो वो ये है, तो यहाँ पर सिंपली ओपन कीजिएगा। ओपन करके आप देख सकते हैं कि ये मैसेज मेरा आया हुआ है और मैं इसको बैक करने के लिए सिर्फ यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से दूसरा जो मैसेज है इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से मैसेज को रीड कर सकते हैं। तो आपको जितने भी ईमेल आएंगे वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट, वीडियोस को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ कंपोज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ छोटा सा एक पॉपअप विंडो आपका ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टू लिखा हुआ, टू का है मतलब जिसको भी आप ईमेल भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी आप इसमें टाइपिंग करेंगे। तो जिसको भी ईमेल भेजेंगे उसका ईमेल आईडी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप उसको ईमेल भेज पाएंगे, नहीं तो फिर कैसे भेज पाएंगे। तो इसीलिए आपको जिसको भी ईमेल भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी आप इसमें टाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये ईमेल आईडी डाल दिया है। अगर आपको एक से ज़्यादा आदमी को ईमेल सेम ही ईमेल भेजना है तो यहाँ पे सिंपली यहाँ कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद सिंपली अगला मैसेज जो है भेजने के लिए आप यहाँ पे दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पे टाइपिंग कर देंगे, जो जिसको भी भेजना चाहते हैं तो उसका ईमेल आईडी यहाँ पे टाइपिंग कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा ईमेल आईडी डाल देता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए मैं दूसरा ईमेल आईडी भी डाल दिया हूँ। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, इस तरीके से आपका ऐड होता जाएगा। और जितने भी ईमेल आईडी इसमें डालेंगे वो सब डाल दीजिएगा, और आपको इस सब ईमेल आईडी पे आपको ये जो मैसेज टाइपिंग कीजिएगा या फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट जो भी भेजना है उस सब जितनी ईमेल आईडी है सब पे चले जाएंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है यहाँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को फोटो वीडियो से या डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ उस सब्जेक्ट मतलब है कि जिसको भी अगर फोटो भेज रहे हैं तो यहाँ पे आप टाइपिंग कर देंगे फोटो, तो यहाँ पे आप फोटो से लिख सकते हो, या यहाँ पे आप वीडियो भेज रहे हैं तो वीडियो से लिख दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जो भी चीज़ आप भेज रहे हैं उसका यहाँ सब्जेक्ट में टाइटल में मतलब ये हो जाता है टाइटल, तो यहाँ पे आप जिसको भी जो भी चीज़ भेज रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो जो भी ईमेल आप भेज रहे हैं उससे रिलेटेड आप सब्जेक्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग कर दिया हूँ हेलो आप कहाँ हो भाई। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको भी इसी तरीके से टाइपिंग कर देना, जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हैं। तो जैसे वीडियो भेज रहे हैं या फोटो भेज रहे हैं उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइपिंग करके और बहुत ही आसानी से इसको भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे पे आप नीचे की तरफ आइए, यहाँ सेंड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सिंपली ये मैसेज भेजना चाहते हैं तो सिंपली सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये मैसेज जो लिखे हुए हैं वो दोनों जो मेल आईडी है इस पे सेंड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो यहाँ पे फॉर्मेट है, यहाँ पे वीडियो क्लिप्स का ऑप्शन है, यहाँ से वीडियो वगैरह से यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा लिंक वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे आपका आ जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इनसाइड इमोजेस का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह का साइज वगैरह चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे बोल्ड करना चाहते हैं, इस तरीके से देखिए यहाँ बोल्ड हो चुका है। यहाँ पे इटैलिक है, यहाँ अंडरलाइन अंडरलाइन किया, देखिए यहाँ पे आपका ये मैसेज है अंडरलाइन हो चुका है। यहाँ पे जो है कलर टेक्स्ट वगैरह इसको कलर वगैरह करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप अपना जो भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ से अपना कलर पर सेलेक्ट कीजिए। कलर पर सेलेक्ट करने के बाद ये ऑलरेडी आपका यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। जो भी कलर आप रखना चाहते हैं वो कलर आपको यहाँ से चेंज हो जाता है। जो भी कलर आप पसंद है वो कलर यहाँ से आप रख सकते हैं। इस तरीके से क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपका कलर चेंज हो जाता है। इसमें और सारा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर एलिगेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर देख रहे हैं बुलेट वगैरह का ऑप्शन है, यहाँ पे इमेजेस का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए लिंक वगैरह का है। इसमें से आप फोटो अटैच कर सकते हैं, जैसे फोटो वगैरह भेजना है तो सिर्फ देखिए अटैच फाइल पर क्लिक करना है, जहाँ भी आपका फ़ोटो वगैरह हो जिसको जो भी फ़ोटो भेजना है इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे, फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करते ही यहाँ पे देखिए कि ये फोटो दोनों आ चुका है, और ये देखिए फोटो इस तरीके से आपका ये इसमें ऐड हो चुका है। इसके अलावा कोई और यहाँ पे आपका फोटो या डॉक्यूमेंट भेजना है तो सिंपली टच बार पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी है इसमें से चूज कर लेंगे कि आपका कौन सा फाइल में रखा हुआ है। जैसे मैं डेस्कटॉप चूज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे ओपन कर लूँगा, तो ये आधार कार्ड भी मेरा यहाँ पे जो है ऐड हो जाएगा। देखिए मेरा आधार कार्ड भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ पे आपको अटैच फाइल पर जाकर जो भी डॉक्यूमेंट फोल्डर फाइल या जो भी आपका है वीडियो वगैरह भेजना चाहते हैं इसी तरीके से आप अटैच फाइल पर क्लिक करके आप इस तरीके से इसको ऐड कर लेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ सेंड कर देंगे। सेंड करते ही यहाँ पे आपका ये मैसेज सेंड हो जाता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, यहाँ देख रहे हैं कि मैसेज सेंडिंग का ऑप्शन है, तो ये मैसेज यहाँ पे सेंड हो रहा था। इसको आप व्यू करके इस तरीके से आप इसको व्यू करके यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो है नोटिफिकेशन हो चुका है और ये ओके हो चुका है, मतलब ये जो है आपका जो मैसेज है वो सेंड हो चुका है। इसके बाद आप चाहते हैं कि हम ये चेक करें कि मैं जो मैसेज किया हूँ तो उसको मैं देखूं, तो आप जो भी मैसेज किए हैं उसको देखने के लिए सेंड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप जिसको भी मैसेज किए रहिएगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप क्या मैसेज किए हैं उसको देखने के लिए सिंपली इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के लिए देखिए ये मैसेज मैंने सेंड किया हो, और ये इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो मैसेज किए हैं कौन कौन से ईमेल आईडी पे किए हैं। तो टू में यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पहला ये ईमेल आईडी है और दूसरा ये ईमेल आईडी है जिस पर आप मैसेज किए हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी को भी आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से बहुत ही आसानी से आप इसको जिसको भी चाहते हैं कि हम ईमेल करें तो घर बैठे आप कर सकते हैं।
सो गाइज, आपने इस वीडियो में ये सीखा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, आप दुनिया में कहीं भी किस तरीके से आप ईमेल सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, अपने गर्लफ्रेंड को भी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।